साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक बार फिर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में अफरा तफरी मच गई है। एक बार फिर से डर का माहौल और जेल में ही इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। दरअसल खबर है कि जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी बैरक में बेहोश पाए गए। पहले सीने में दर्द उठा और फिर बैरक में बेहोशी की हालत में अनिल देशमुख मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल देशमुख को 24 घंटे से भी होश नहीं आने की खबरें भी आ रही हैं। अब अनिल देशमुख के बेहोश मिलने पर जेल प्रशासन के होश उड़ गए। पहले जेल की मेडिकल टीम ने चेक किया मगर देशमुख किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जेल में एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर देशमुख को जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जेजे अस्पताल में भी अनिल देशमुख की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तो आखिर क्या हुआ जेल में ऐसा कि अनिल देशमुख अचानक बेहोश हो गए? देशमुख के बेहोश मिलने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अनिल देशमुख की हालत पर कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख शुक्रवार यानी कि 26 अगस्त को कारागार में बेहोश पाए गए। पूर्व गृह मंत्री को बेहोश होने के बाद मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में लाया गया। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑर्थर रोड जेल में बंद अनिल देशमुख को पहले चक्कर आया होगा और फिर सीने में दर्द उठा और फिर वो बेहोश हो गए। जेल अधिकारी ने बताया कि अनिल देशमुख ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है और अस्पताल में उनकी ईसीजी रिपोर्ट भी असामान्य आई है। अधिकारी ने बताया कि अनिल देशमुख का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहां पर भी उनकी हालत बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है। अब ये तो जेल के अधिकारी बता रहे हैं, मगर सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख के बेहोश होने की वजह कुछ और है। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो अनिल देशमुख 26 अगस्त की सुबह से ही बेचैन थे और खबर तो ये भी आ रही है कि 25 अगस्त को भी अनिल देशमुख रात में सोए नहीं थे। सामने आया है कि वो बार बार अपनी बैरक के अंदर चक्कर काट रहे थे। बेहद कम बोलने वाले देशमुख कुछ बड़बड़ा भी रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट थी, जैसे कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो 26 अगस्त की दोपहर के वक्त अनिल देशमुख ने ना तो खाना खाया और ना ही जेल से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी में वो शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि सुबह के खाने के बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। शाम के करीब 7 बजे उन्हें साथी कैदी ने देखा और तब वो जमीन पर गिरे हुए थे। कैदी ने जेल स्टाफ को इसकी सूचना दी और सामने आया है कि वो अपनी बैरक में किसी दीवार से टकराए थे और जिसके बाद वो गिर गए और फिर वो बेहोश हो गए। सामने आया है कि अनिल देशमुख जेल में अपनी बैरक में करीब 2 से 3 घंटे तक बेहोश पड़े रहे, मगर किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी, क्योंकि 800 कैदी वाले इस जेल में 3000 से ज्यादा कैदियों को रखा गया है। ऐसे में किसी को खबर तक नहीं लगी कि अनिल देशमुख को सुबह के बाद किसी ने नहीं देखा। दोपहर में खाने के लिए भी वो नहीं पहुंचे, मगर किसी ने भी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। यहां आपको बता दें कि मार्च 2021 में तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद पर रहते हुए पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्टोरेंट और बार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह उगाने को कहा था, जिसके बाद अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में ईडी ने अरेस्ट कर लिया और तब से ही अनिल देशमुख लगातार ऑर्थर रोड जेल में बंद है। कई बार अनिल देशमुख की तरफ से जमानत की याचिकाएं डाली गई, मगर हर बार देशमुख की जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप है वो काफी गंभीर है। अब हैरानी भरी बात यह है कि इतनी बड़ी जेल में अनिल देशमुख 2 से 3 घंटे तक अपनी बैरक में बेहोश पड़े रहे, मगर किसी को भी पता तक नहीं चला। और अगर देशमुख ने सीने में दर्द और हाई बीपी की शिकायत की थी तो जेल स्टाफ ने उसे सीरियस क्यों नहीं लिया? अब खबरें तो ये भी आ रही है कि देशमुख का दीवार से टकराना भी संदिग्ध हो सकता है या फिर बनी बनाई कहानी हो सकती है। फिलहाल तो देशमुख जेजे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है, जहां उनकी हालत अब भी सामान्य नहीं बताई जा रही। तो आपको क्या लगता है, देशमुख की बेहोशी की वजह हाई बीपी या सीने में दर्द है या फिर दीवार
कार से टकराने की वजह कुछ और हो सकती है? क्या जेल में कुछ संदिग्धता भी चल रही है? क्या दीवार से टकराने की सिर्फ कहानी बुनी गई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। पात्रा चौल घोटाले में 672 परिवारों की बददुआएं संजय राउत को लगी हैं। 672 परिवारों को सड़क पर लाने का जिम्मेदार संजय राउत को माना गया है और इसीलिए ईडी ने प्रवीण राउत और सारंग बधावन के साथ ही संजय राउत को भी जेल में डाल रखा है। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही है और इस केस से जुड़े तमाम लोगों को धीरे धीरे रडार पर लिया जा रहा है। ईडी इस केस से जुड़ी छापेमारी अब भी कर रही है और फिलहाल तो संजय राउत कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 सितंबर तक जेल में बंद है। अब जहां संजय राउत जेल से बाहर आने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं अब दूसरा घोटाला संजय राउत की रातों की नींद और दिन का चैन छीनने के लिए काफी है। जी हां, मुंबई में हुए 100 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर घोटाले की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी ने इस नए घोटाले को लेकर वैसे तो फरवरी 2022 से ही हल्ला बोल रखा है, मगर संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी की तरफ से कोविड सेंटर घोटाले की जांच की मांग और भी तेज हो गई है और तुरंत जांच की मांग करने की भी याचिका कोर्ट में लगा दी गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नई मांग की है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के एक करीबी सहयोगी से जुड़े अस्पताल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया जाए। यही नहीं, सोमैया ने तो अपनी मांग में ये भी कहा है कि अगर कहीं से भी लगता है इस घोटाले में पीएमएलए की धाराएं भी बन रही है तो ईडी को भी इस मामले की जांच में दखल देना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर कोरोना मरीजों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कोर्ट में बताया कि इस मामले में आजाद मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और याचिका में मांग की गई है कि इस मामले को मुंबई की क्राइम ब्रांच को सौंपा जाए और ईडी की दखल अंदाजी की मांग भी किरीट सोमैया की तरफ से वकील ने कोर्ट में की है। फिलहाल तो कोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अगस्त का समय दिया है और अब 30 अगस्त को इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। किरीट सोमैया के वकील ने कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में कहा कि ये घोटाला बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, इसमें पॉलिटिशियन के सपोर्ट के बिना घोटाले की संभावना ही नहीं है। वकील ने बताया कि हमारे क्लाइंट किरीट सोमैया को पूरा शक है कि इस घोटाले में ऐसे नेता भी शामिल हैं जिनसे सुजीत पाटकर की दोस्ती रही है या बिजनेस या किसी भी वजह से वो एक दूसरे के करीबी रहे हैं। अब सोमैया के वकील ने सीधे तौर पर तो संजय राउत का नाम नहीं लिया, मगर इशारों इशारों में कह दिया कि सुजीत पाटकर के साथ बड़े पॉलिटिशियन जो कि सुजीत पाटकर के बिजनेस पार्टनर हैं, वो भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं और सोमैया के वकील ने इस एंगल से भी जांच की मांग मुंबई पुलिस से की है। अब वहीं इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर उपगृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है। जल्दी इस मामले को ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मामले में धाराएं गैर जमानती है और मुझे यकीन है कि केस के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ सोमैया ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इस मामले में दखल दे सकती है। तो अब किरीट सोमैया की बातों से लगता है कि उन्हें पूरा शक है कि संजय राउत भी इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं, इसीलिए सोमैया बार बार ईडी की एंट्री को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। खैर, फिलहाल तो पात्रा चौल स्कैम में फंसे राउत पर कोविड सेंटर घोटाले की आंच भी पहुंचती दिख रही है, जो कि संजय राउत के लिए किसी आफत से कम नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस नए घोटाले में राउत का कनेक्शन हो सकता है? क्या वाकई में बीजेपी नेता के पास इस बात के सबूत हैं? और अगर ईडी इस मामले की जांच करती है तो राउत की मुश्किलें कितनी और बढ़ जाएंगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।